का जो मुद्दे जिनको लेकर राष्ट्र में उनके ऊपर भरोसा किया भाइयों इतना ही तो आता हमको दिलाते महंगाई को कम करने का प्रयास करें। आपके साथ सरकार बार बार आरोप लगाती कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। हरियाणा पंजाब और दिल्ली के अंदर 4 रुपए पेट्रोल डीजल सस्ता मिलता है, राजस्थान सरकार खुद अपना टैक्स क्यों नहीं घटाती? 4 रुपए सस्ता हो जाए खुद भी तो करे किसान, हमारी रिफाइनरी ही राजस्थान के अंदर खुद कुछ करती नहीं। आरोप लगाना है, मैं इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूँ कि दिल्ली आपने मुझे भेजा है तो दिल्ली के अंदर भी मजबूती से मैंने आपकी लड़ाई लड़ी। दिल्ली के अंदर 35 दिन लोकसभा चली और 34-35 दिन बोला मैं लोकसभा के अंदर। और मैं मेरे पूर्व जो एमपी थी हमारी बहन ज्योति मिर्जा, वो कह रही थी कि लोकसभा में बोलने से क्या होता है, तो मैंने कहा किससे होता वही बता दो मैंने भाई, बोलने से नहीं होता, संघर्ष करने से नहीं होता, तो किस चीज से होता है? ज्योति जी आप एमपी थी और एम्स जो हॉस्पिटल है दिल्ली का, अब जोधपुर में एम्स आया, उस एम्स की डायरेक्टिव बॉडी के अंदर मेंबर थी ज्योति मिर्जा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और उसने जितने 5 साल में इलाज नहीं कराए उतने हनुमान बेनीवाल ने 2 महीने के एम्स के अंदर अपने लेटर से गई मुख इलाज करा दिया। तो मैं कोई अच्छा सुनो, मैं वो तो उसके सुधर को हुड्डा जी सुनने के साथ बैठते हैं, सारे रिश्तेदार वहीं रहते हैं, 10 जनपद के चारों तरफ घोटालों की जहाँ से गूंज हमेशा रहती है। हनुमान तो एक किसान का बेटा है, फिर भी कोई व्यक्ति काम लेके मेरे पास आया, मैंने उसको ना नहीं की, ये कहा समय लग सकता रास्ता निकाल दूंगा, थोड़ा समय दो, ऐसे मैंने कहा मैं काम कराऊंगा, कभी कहा गया किसी बात से? मैंने कहा काम करा दूंगा, या तो फोन लगा फटाफट, नहीं तो दे फोन भाइयों। किस तरह जवान मेरे पे भरोसा करते हैं, मुझे पता है डिग्री लेने के बाद बेरोजगार क्या स्थिति के अंदर गुजरता है, किसान नरेगा में जाके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं मजदूरी करके, जो बेटे को नौकरी नहीं मिलती, वो कोई धंधा नहीं करता, तो कितनी बड़ी तकलीफ होती है। तो मैं आपको आह्वान करता हूँ कि इस उपचुनाव की दोनों लड़ाई के अंदर दोनों सीट हम जीते, कांग्रेस हारे, इसका मैसेज प्रधानमंत्री तक जाएगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को आश्वस्त करता हूँ कि पंचायत चुनाव के अंदर भी गठबंधन जारी रहेगा, नगर पालिका के चुनाव के अंदर भी गठबंधन जारी रहेगा। और हनुमान बेनीवाल कोई मुख्यमंत्री का दावेदार भी नहीं, मैंने जब पार्टी बनाई थी जिद थी, पहले आंदोलन किया और आंदोलन करते करते जब जयपुर पहुंचे तब लोगों ने कहा कौन सी नई पार्टी बनाने गए, ऐसे ही जरा कांग्रेस में जाएगा बीजेपी ये कहते थे, पार्टी भी बनाई, 57 उम्मीदवार लड़ाए और उसमें प्रत्येक जाति का उम्मीदवार लड़ाया, 3 राजपूत प्रत्याशी भी थे मेरे राजस्थान के अंदर, उनका प्रचार करने के लिए भी गया था हेलीकॉप्टर से। तो भाइयों हनुमान बेनीवाल सब जातियों को साथ लेके चलता है, ये बात आप जानते हो, एक जो कहता हूँ वो करता हूँ, किसी की पीठ में छुरा घोंपने की मेरी कभी आदत नहीं रही, जो बात होती है मौके पर कह देता हूँ, पीछे से पॉलिटिक्स में नहीं करता और अच्छे बुरे का भेद जानता हूँ। आज आप सब लोग मेरे लिए वोट मांग रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो वोट जिसके लिए मांगता है, मेरे भाई के लिए आप वोट मांग रहे हैं, तो ये आप सबका ऋण मेरे ऊपर होगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ मैं ऋण उधार नहीं रखता, ऋण चुकाने का पूरा प्रयास करूंगा, सबको साथ लेकर चलूंगा और सबको साथ लेकर नए फ्यूचर और नए नागौर का निर्माण करेंगे, अपने जिले को आगे लाएंगे और राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ऐसा काम हम करेंगे। यहाँ इस उपचुनाव के अंदर हम सब कमान संभाल के बैठे हैं, आप तो जहाँ भी आवश्यकता हो तुरंत बता दें, और दातीनाथ जीएसएफ भी मंत्री जी ने बात करी, ये सही है कि दातीनाथ जीएसएफ स्वीकृत हो गया था 2018 के जनवरी फरवरी के अंदर, ये लास्ट की बात है 17 जब आप थे, हाँ, और उसके बाद उसको किसी कारणवश रोक दिया, उसके बाद प्रयास किया, अब दातीनाथ का जीएसएफ वापस आपको स्वीकृत हो गया, अब हो गया उसको चालू करा देंगे जल्दी, चालू हो गया, अब तो क्या मुझे एकदम वोट आएगा, वोट खांगे कर सोचे मांगे चालू है वोट टूट जाए, रोक दियो मैंने 27 तारीख तक रुक जाओ, 27 तारीख बाद चालू करा के और 15 दिन के अंदर अंदर उसको बना देंगे जीएसएफ, ठीक है ना, मैं जीएसएफ नहीं बनाऊंगा, मेरी तो इच्छा थी इस पूरे बैंक के अंदर 1,32,000 का एक जीएसएफ और बना, क्योंकि बिजली का लोड इतना बढ़ गया और करंट से मौतें हो जाती है, कम बिजली आती है, वोल्टेज की शिकायत होती है, एक आपके जितने भी कनेक्शन है उनको नियमित करने का आदेश, ये लोक सहयोग की बात है, होना मेरे हाथ से ही है,
लेकिन सही बात क्या होता है, आदेश होने वालों इससे पहले मेरा झगड़ा हो जाता अगले आदमी आदेश नहीं होता पढ़ा जाता आदेश। अब अशोक गहलोत से झगड़ा हो गया एक साल से झगड़ रहा हूँ सीएम से, पहले मुश्किल से पीछा छूटा अब लड़ाई फिर आ गई मंत्री एक साल से मैं ही लड़ रहा हूँ इससे और व्यक्तिगत लड़ रहा हूँ, बेटा हारने से बोखला गया। आप आपको इतना दोष नहीं दे रहा है, सारा सारा मुझे दे रहा है आपको, बीजेपी को तो सब लगे मान ने मेरे बेटे को वहाँ रहा था। अरे भाई तू मेरे पास रहना है यहाँ पे फार्म भराने के लिए आया, सारी ताकत लगाई अभी पूरा प्रयास किया और सबसे अच्छा कैंडिडेट छांट कर आया मेरे सामने। अभी दादी जी ने बता ही दिया सारा कितना मजबूत उम्मीदवार, सुनो सर के तो उतारा दो जना तो हाथ पकड़ खड़ो करना पड़ा उठा बेटा ऐसे कर दूंगा। बस एक बार मेरे को भेज तो भेज दिया ना, चार पांच बार भेजा था ना, पिताजी को भेजा था आठ बार, दादाजी सारी पीढ़ियां भेजी हुई थी बावन से लेके आज तक, कौन सा करिश्मा किया तुमने पीने का पानी भी नहीं ला सके। धन्यवाद दूंगा आप सबको कि आपने मजबूती दिखाई और ये मंत्री जी को अच्छी तरह ध्यान है कि 2008 के अंदर जब मैं भी विधायक था ये लोग से विधायक थे और विधानसभा के अंदर ये बात चली कि सिंहसर नागौर मेड़ता देगाना परबतसर में बीजेपी के एमएलए और उधर कांग्रेस के एमएलए जाहिर जीतवाणा नावा और मकराना और लाडमू हल्दीराम जी थे, तो उन्होंने कहा कि नौका दैया से सीधी लाइन जाहिर होकर मंत्री जी जाहिर होकर जीतवाणा की तरफ डालो, यहाँ तो नागौर सिंहसर बीजेपी के विधायक अभी था तो अभी सीधा पानी आएगा फिर यूं लाएंगे पानी के। तो मैंने कहा तुम्हारे में दम है ना उसको निकाल के देखो, मैं बंद कर दूंगा सारा जो भी नौका का सिस्टम है, ये पानी तो नागौर से जाएगा पहले। और भाइयों में लड़ाई अगर मैं भी अभी की तरह ओढ़ के सो जाता तो ये पानी डीलवाणा नावा के अंदर चले जाता, आप नेर का मीठा पानी भी नहीं पी पाते। ये हनुमान बेनीवाल का था 30,000 लोगों के साथ भूख हड़ताल करी एक दिन, आपको ध्यान है कलेक्टर के आगे एक दिन के अंदर सरकार झुकी 200 करोड़ रुपए हटवा दिए, अभी ढाणियों का जो कलेक्टर का है वो सारा स्वीकृत कर दिया गया, कलेक्टर पहले भी प्रयास किया था अब हो गया, डाने डाने पीने का पानी आ जाएगा। पानी तो लोगों का आंखों के अंदर छोड़ दिया, आप बताओ हम पानी की बात तो कर रहे हैं 70 साल में तो लोगों ने बात भी नहीं करी, आपको संभाला भी नहीं, लोगों का चिन्ह आता था वोट दे देते थे और पता ही नहीं कौन किसको जानता है। ये पहले जो चुनाव चल रहे हैं ये मंत्री भी रह चुके पीडब्ल्यूडी के, कितनी सड़कें बनाई नागौर जिले के अंदर मुंडवा कौन सी सड़कें, मैं तो नहीं देखी सड़कें, बेराथल 5 लाख की रोड भी मैंने बनाई थी, कैसे बनाई मैंने बनाई थी 5 साल तमाम सौ सड़क बनाई सरकारों से लड़ा सड़क विकास करता रहा और विकास करते करते हनुमान बेनीवाल एक विचारधारा राजस्थान के अंदर बन गया। हाँ कुछ लोग हो सकता है मेरी कई बातों से उनको आपत्ति होगी लेकिन भाइयों एक लड़ाका व्यक्ति है जो सबके लिए लड़ता है प्रत्येक कौम के लिए लड़ता है, आह्वान करके देख रहे कि आपको जहाँ आवश्यकता पड़ेगी मैं ये नहीं देखूंगा कि सामने करोड़पति अरबपति है, गरीब को गणेश मान के हमेशा सेवा करी और आगे भी 36 कौम को साथ लेके चलूंगा। जैसा मंत्री जी ने कहा कि बूथ से प्रेम बढ़ता है, दातिना वाले में से मेरी बहुत मदद करते हो लोकसभा विधानसभा हमेशा करते हो और अब की बार जब हम दोनों साथ आगे तो अब की बार ज्यादा मदद कर रहे हैं, प्रधान जी बैठे हैं आपके गाँव के प्रधान जी बनाए, प्रधान जी से भी मेरा बहुत स्नेह, इन्होंने मुझे फोन किया कि सामने फार्म मत भराना किसी का, नहीं भरवाया मैंने निर्वोध करा दिया तो हो जाती नहीं कर दिया, हमारे पहले बात हो गई थी सारी, मैंने कहा भले आदमी दातिना के बनने थे प्रधान भाई मेघवाल बन तो मैंने कहा दातिना के बने मजबूत ना हो। और भाटी जी वो जियादास जी के धोने पे एक तो अपना संभव फोन बढ़ा नहीं ना पता अटक गया था ना वो अटका बनो बनो आप देखे सरपंच कौन थे वो क्या मेरे पैसे निकल गए 5 लाख रुपये जितना कहोगे उतना ही छुट्टी जारी कर देंगे, पैसों की कमी नहीं हमारे पास, दिल्ली पूरी हमारे पास है, पैसे खत्म तो राजस्थान धन्यवाद पूरा आशीर्वाद आप रखना और नारायण बिल्कुल आपके बताए हुए रास्ते पे चलेगा सबके अरमान पूरे अब और मान लिया गांव में पानी पीने के वास्ते आज पशु और मुनि से तरस रहे हैं आज 5 साल से, अरे मैंने लाल जब आया नारायण नमस्कार भाई सर को जो छोटे भाई बोल रहा है कि मैंने मेरी मर्जी से टूटा कौन करो आप फोटो जय जय भाई में थी जय जय भाई में सरपंच जी उनको बताते हैं आपके जो जो काम है
आप ट्यूबवेल की घोषणा बिल्कुल करवा देंगे, आप निश्चिंत रहो मेरे खाते में डाल दो आप।